अच्छा तुम अपना ख्याल रखा करो, टाइम पे मेडिसिन लेती हो कि नहीं? चीमर साहब सुबह से मेरे बाथरूम पर नलका लीक कर रहा है भाई, 100 दफा कह चुका हूँ आपको, प्लम्बर भेज दीजिए। बी अम्मा देखो मियाँ, कितनी दफा मैंने तुम्हें बताया कि ये प्लम्बर का नंबर नहीं है, नलके कसने की जगह तुम अपना दिमाग कसो। खुदा हाफिज। प्लम्बर के पास भी इनका पोता आ गया होगा। अस्सलाम। जल्दी से आए, लट्टू की बर्थडे पार्टी का सामान ले आए। हाँ आती हूँ, मैंने कौन से गुब्बारे फुलाने हैं। चले ना आए। चलो भाई। क्या है भाई, क्या हुआ अभी अम्मा? कुछ नहीं। अरे मुस्कुरा दें, आज बर्थडे आपके परपोते का, तो बुलवा लो ना उसके परदादा को। अल्लाह को माने माँ जी, मुनीर जी ने सुन लिया ना तो नया पहाड़ा पड़ जाएगा इस घर में। तो ऐसा करो, मेरे मुंह पे टेप लगा दो, दिल के ऊपर लोहे का खोल चढ़ा दो, पूरा जर्रा बख्तर पहना दो, एक कोने में खड़ा कर दो, फिर शायद सुकून मिल जाए तुम लोगों को। सही कहते हैं सियानी, सावन की धूप से अन्य मुख से बच बचाव करना चाहिए। मुझे तो खाम खा पराए फड्डे में मुक्के पड़ जाते हैं। अम्मा कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। तुम्हें कौन सी परवाह अपने बाप की, तुम कौन सा मिलाई, तो चली जाओ भाई। तन्नू भाभी के घर में एक ही कानून है, अपनों के गिट्टे तोड़ो और परायों के पांव छूओ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सलीका भाभी, तन्नू भाभी को तो एक ही शौक है, पूरे खानदान को टांग कर रखने का। ऐसी औलाद से तो बेहतर है इंसान की औलाद ही ना हो। अब तो काफी लेट हो गया अभी अम्मा। चुप कर जा मुदा, फिर जल्दी जा, अगर बीपी शूट हो गया ना तो नया स्यापा पड़ जाएगा, रात को बर्थडे पार्टी भी है। मैं भी जा रही हूँ चाची। अम्मा का बस ना मुझ पर ही चलता है, मैं तो चली जाऊं पर इन गुब्बारों से ज्यादा मुंह फूल जाएंगे वहां पर सबके। फिटे मुंह।